हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कंत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सभी का चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी दर्शन करके मूर्छित हो गए और कैसे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको अपना घर में लाए और जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे वो भी सब के सब आ गए और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमान महाप्रभु को सोने की पात्र में उनको महाप्रसाद खिलाया। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कदी सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है कदी इनका निजजन है, क्योंकि नहीं तो भगवान सभी का सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं, अपना भक्तों का ही सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए उनका ये निजजन थे। और महाप्रभु बताए देखो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए तो जाओ लेकिन खबरदार ऐसे ये गोसाई जैसे क्या ऐसे मत करना है, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए छलांग लगाए और पंडितों को मारने के लिए दौड़े और हम उनको यहाँ पर बचा करके लाए ऐसे मत करना। सबके सब श्री गरुड़ को पीछे रह करके वहीं से ही जगन्नाथ जी को दर्शन करना, क्योंकि जो गरुड़ है ये भगवान के परम भक्त है, भगवान का ये वाहन है। इसलिए वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय न पामर भ्रति हवन सदे। जब तक भक्तों का कृपा नहीं हो, जब तक गुरु जी का कृपा नहीं हो, तब तक भगवान कृपा हमारी नहीं करते हैं, हैं? इसलिए भक्तों के अनुगत्य में ही भगवत दर्शन करनी चाहिए। अब उसके बाद में तृतीय अध्याय शुरू होता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जो पहला प्यार में कहते हैं बोले यदि ते हो व्यक्त ना करे न अपनारे तबे कार शक्ति आछे तारे जानिवारे। अगर भगवान खुद को खुद अगर किसको सामने व्यक्त नहीं करते हैं कि जगत में किसका शक्ति है जो उनको पहचान सकते हैं, सही जाने जा रहे देहो जाना है, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं, नहीं तो उनको कोई जान ही नहीं सकते। जानाति तत्त्वम भगवत महिमनम नच्चानम विचिरम विचन्यम। इसलिए चिरकाल चिंता करने पर भी ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं जानन्तु एव जानन्तु। ब्रह्मा कहते हैं मेरा चार सर है। इसलिए अगर कोई कहता है अरे वही ग्वाला है ना जो गैया को पीछे पीछे दौड़ता था, हर गोपियों को घर घर में चोरी मक्खन चोरी करते थे, उनकी तो बात कर रहे हो हैं? हम सब जानते हैं उनकी, वैसे गोपियों को लेकर नाचना चाहा उन्होंने हैं? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे चार सर हैं, लेकिन मैं चार सर दे करके और जगत का सृष्टि करने वाला मैं हूँ, लेकिन मैंने भी उनको पहचान नहीं सका। अगर को जो कहते हैं मैं उनको जानता हूँ उनको जानने दो ब्रह्मा, ये हम लोगों के लिए कहते हैं।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कह रहे हैं, कल जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया, बोले किस लिए, बोले आपसे मिलने के लिए आया, नहीं तो मेरे यहाँ मैं आने का कोई जरूरत नहीं था, केवल आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इसलिए महाप्रभु अपना दीनता को दिखाते हुए बाप भक्तों का महिमा को बताते हुए कहते हैं, जो वैष्णव है कहते कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जीते पर तुम्हार सकत याचे, आमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाचे पाचे। बोले कृष्ण किसके हैं, बोले कृष्ण भक्तों का है, इसलिए तुम्ही दिले दीते पर कृष्ण तुम्हार हृदय, भगवान भक्तों का ही हृदय का संपत्ति है, अगर वे अगर कृपा करके हमें भगवान को देना चाहे वही दे सकते हैं, हम अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कहते केवल आपके आशीर्वाद से मेरे को भगवान की कृपा मिलेगा, इसलिए आपका शरण में हम गए हैं, जो हमारी अच्छा हो आप करो, इसलिए आप ये कृपा करो, ये माया से मैंने कैसे उत्तीर्ण हो करके कैसे मैं भगवान का भजन कर सकूं। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, स्वर्ग का देवगुरु बृहस्पति, जिनकी महिमा को भगवान जिनकी महिमा को स्वयं ब्रह्मा ही नहीं समझ सकते हैं, जिनकी महिमा को शंकर नहीं समझ सकते हैं, जिनकी महिमा शंकर जी के बाद छोड़ स्वयं ताऊ भैया भी जिनको समझने के लिए कभी कभी कठिन होता है, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न बलदेव प्रभु, जिनको बलदेव प्रभु भी जिनकी माया को समझना कठिन, वो सार्वभौम उनको समझेंगे इसमें कैसे हो सकता है, हैं? ये कैसे समझ हो सकता है। इसलिए अभी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को समझा रहे हैं, बोले देखो मैं तुम बहुत तेरे को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब परिचय लिया ना, देखा सार्वभौम भट्टाचार्य श्री महाप्रभु का जो वंशधर है उनका वंशधर में मतलब कोई एक व्यक्ति है जो महाप्रभु के जो पिताजी के पिताजी का था, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पिताजी के साथ में कोई परिचित था, इसलिए ये उनके परिचित का व्यक्ति है, मतलब उनके वंश के व्यक्ति है। ये चीज सुन करके सार्वभौम को लगा, ऐसे लगा जैसे ये मेरे बेटा है ये मेरे बेटा जैसे आया है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं तो देखो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कृष्ण का जो कृपा है ना तुम्हारे ऊपर में, कृष्ण का बड़ी कृपा है, तुमने जो ये सन्यास लिया तुमने ठीक नहीं किया है, तुमने जो सन्यास लिया तुमने ये बात तुमने ठीक नहीं किया है, क्योंकि सन्यास लेने से अहंकार आता है, हैं अहंकार, क्योंकि त्रिदंड धारण करते ना त्रिदंड, इसलिए सन्यास त्रिदंड धारण करते, इसलिए कहते हैं सन्यास देखी आजीबा ना मन मुंड तार कुंड पड़े गया नर कर कुंड, मतलब अगर कोई सन्यास को देख करके उनका सर में सर नहीं झुकाते हैं, उनका जो मुंड है जाकर पड़ता है नरक का कुंड, इसलिए नरक का कुंड में उनका सिर गिरता है। अगर बेटा अगर सन्यास लिया तो अगर पिताजी आए तो ऐसे नहीं मैं इसका जन्म दिया, नहीं पिताजी को भी बेटे को चरण में प्रणाम करना पड़ेगा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी सन्यास लिए, वो सोच रहे ना मैं सन्यास जब लूंगा जब द्वार में जाऊंगा लोग जब मेरे को सन्यास मान करके प्रणाम करेंगे, मैं कौन हूँ मैं भगवान हूँ, जब मेरे को एक बार कोई प्रणाम करेगा फिर उसको मातृ गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे तुमने सन्यास लिया है, हैं? इसलिए सबके सब सन्यासी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने से अंदर में अहंकार आ जाता है, अरे हम बहुत बड़े त्रिदंडी सन्यासी, अहंकार आता है, लेकिन नियम क्या है, हैं? इसलिए नियम है कहते सबको प्रणाम करनी, चंडाल कुकुर तक भी सबको दंडवत करनी चाहिए, जीवर सम्मान दिवे जारी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीवों को भगवान ने सभी जीव का हृदय में निवास करते हैं, इसलिए नियम है सबका सम्मान दो, कहते यहाँ तक भी अगर अंदर में कोई भक्ति जागृत करना चाहते हैं, भागवत में बताया कुत्ते को भी प्रणाम करो, चंडाल को भी प्रणाम करो, हाथी को भी प्रणाम करो, इसलिए सुनी चाहिए सुपाके च पंडिता समदर्शिना, जो पंडिता है ये कुत्ते हाथी बिल्ली सबका हृदय में भगवान को वो दर्शन करते हैं, इसलिए नियम ये है, लेकिन सन्यास लेने पर क्या होगा,
हम अभिमान आ जाते हैं, इसलिए तुम सन्यास लेकर के अच्छा काम तुमने नहीं किया है। हाँ, ये वैष्णव धर्म, हाँ ये वैष्णव धर्म क्या है, सबको प्रणाम करना, त्रिनाद भी सुनिचे न तर रपि सहिष्णुना अमानी नंग मान देना कीर्तनीय सदाहरी। इसलिए जीव का स्वरूप भजन करनी चाहिए, उसको छोड़ करके। महाप्रभु ने एक दंड पहले सन्यास लिया था ना, उसको नित्यानंद प्रभु तीन खंड कर दिए। इसलिए जो एक दंड सन्यास है ना, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नमो नारायण। हम लोग क्या कहते वैष्णव है, वैष्णव अहम। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को वैष्णव मानते हैं, जीव है, जीव अस्मि, हम जीव मानते हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी जब एक दूसरे को देखता है, बोले नमो नारायण, बोले क्यों, बोले तू भी नारायण मैं भी नारायण, और दुनिया सर्वम कलुदम ब्रह्म सब नारायण नारायण। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए अपने आप को नारायण बोलते हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, बोले गर्भ का समय में जिन्होंने कृपा करके हमें गर्भ में रखा किया है, पेट पेट में जो बच्चा जिंदा रहता है वो जिंदा रह सकता है, टाटी पेशाब का थली के अंदर में और कुछ है ही नहीं वहां पर, भैया जो मिर्च मसाला खाता है उसको शरीर में लगता है, बड़ा कष्ट उठाता है जी। पेट में जो स्थान है ना, सर नीचा करके टांग ऊंचा करके ऐसे जीव गर्भवास में रहता है, हैं? लेकिन इसी समय में भी हमें गर्भ में रक्षा करने वाले कौन है, ठाकुर ही हमें गर्भ में रक्षा करते हैं। कथा अजब ब्रह्मा शंकर जी को उपासना करते हैं, इसलिए बोले जगत रे पिता कृष्ण, बोलो जना भजे बाप, पितृ द्वय पातकितार जन्म जन्मे ताप। इसलिए जगत रे पिता कृष्ण, जगत रे पिता कृष्ण जेना भजे बाप, जो उनको पिता रूप में भजन नहीं करता है वो कौन है, बोले पितृद्रोही, वो पातकी, उसको जन्म जन्मांतर में ताप दुख कष्ट उसको भोगना पड़ता है। इसलिए सारे वेद कहते हैं कि पिता को जो भजन करता है वो सुपुत्र है, पिता को जो मानता है वो सुपुत्र है, और पिता को जो नहीं मानता है वो कुपुत्र है। इसलिए गीता शास्त्र में क्या बताए, बोले अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति ज सन्यास च जोगी निरग्नि न च क्रिया। मतलब क्या है, इसलोक हो गया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं निष्काम हया करे जे कृष्ण भजन। इसलिए भगवान की कैसे भजन करनी चाहिए, अनाश्रितम कर्म फलम, हाँ जो कर्म का जो फल को त्याग दे करके कहते ताहरे जे बोली जोगी सन्यास लक्षण विष्णु क्रिया ना कर ले परार न खाई ले किछु न ए शास्त्र ते यही वेद बोले। इसलिए वेद क्या कहते हैं, कहते क्या करनी चाहिए, विष्णु क्रिया ना कर परार न खाई ले, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, केवल दूसरा के अर्न को भोजन करते हैं, कहते वो क्या है, कहते ये ठीक नहीं। इसलिए कहते जिनी कर्म फल त्याग छेड़े भगवत प्रीति उद्देश्य तिनी जोगी वा सन्यासी, जिनी अग्निहोत्रादि वैध कर्म परित्याग करे छे तिनी सन्यासी नहीं, जिनी शरीर कर्म त्याग तिनी जोगी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते सन्यासी कौन है, कहते सन्यासी हुए हैं, कहते जो हम जो कुछ करेंगे, जैसे त्रिदंडी सन्यासी काय मन और वाक्य, ये सब के सब भगवान की सेवा में लगना, और जो कुछ करे भगवान के लिए करे, हैं जो कुछ करे भगवान के लिए सब कुछ करे। इसलिए वो कहते हैं तत्कर्म हरि तोषणम, कहते कर्म किसको कहते हैं, कहते अगर वो कर्म अगर हरि तोषणम, हम जो कुछ करते हैं अगर वो सब क्रिया का उद्देश्य अगर भगवत प्रीति के लिए हो तो फिर तो वो ठीक है। इसलिए बोले यज्ञार्थात कर्मणान्यत्र, श्लोक हो गया है, लोकम बोलो, श्लोक का मतलब क्या, उसको बोलो, कौन बोल सकते, बढ़िया से बोलो, राधारम बोलो, कोई बोलो, तुम बोलो, हाँ बोलो, तुम कहो कौन कौन कौन, हाँ बोलो, यज्ञार्थात
भगवान को निमित्त कर्मण अन्यत्र भगवान को पाई करा होते हैं कर्म व्यतीत अन्य समस्त कर्म कौन ना लोक बंधन कर्म बंधन समस्त कर्म कौन करे ना ये जाति जगत बंधन कारण हुए किंतु इसलिए तदर्थ कर्म कहते मुक्त संग समाचार इसलिए यहाँ कह रहे हैं अगर यज्ञ भाई विष्णु अगर हमने जो कुछ कर्म करते हैं अगर वो भगवान की प्रीति के उद्देश्य में हो है प्रीति के उद्देश्य में हो फिर तो उसका फल क्या है बोले जन्म मृत्यु चक्र से जीव को बंधने से मुक्त है लेकिन अगर भगवान की प्रीति के उद्देश्य में नहीं करके शरीर में मैं और मेरा पण करके अगर कोई कर्म करेंगे तो उसका फल क्या है बोले कर्म बंधन। इसलिए हम संसार में क्यों भटक रहे हैं संसार में कारण क्या बोले कारण है ये शरीर को मैं और ये शरीर संबंधी है वस्तु मेरा इसलिए बकरी मैं करता है इसलिए मरता है इसलिए मैं नहीं करनी चाहिए मैं मेरा ते तेरी ये माया। इसलिए हम जो कुछ करे क्या करे भगवान के लिए पहले ये सब कुछ गुरु जी के चरण में भगवान का चरण में पहले को पहले अर्पित कर देनी चाहिए। जब हम अपनी आप सब कुछ गुरु जी और भगवान का चरण में अर्पित कर दिए हम किसके हो गए भगवान के हो गए। फिर अभी हम जो कुछ करें किसके लिए करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे हैं। अगर उन्हीं के लिए नहीं करके अगर अपना लिए करते हो फिर कर्म बंधन है। इसलिए एक उदाहरण दे करके श्री नारद जी समझा रहे हैं। पहले मैंने बताया था ना बोले एक छोटी सी कथा बोले एक समय कोई एक व्यक्ति उसको घी बहुत पसंद था वो खूब घी खाता था लेकिन घी खाते 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 अभी उसको पेट खराब हो गया और उसका पेट में अभी घी पिए तो उसको पेट में पछता नहीं पेट पतला हो जाता है। वो किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास में गया बोले डॉक्टर साहब मेरे घी बहुत बढ़िया लगता है लेकिन घी पेट में पच नहीं रहा है इसलिए लेकिन घी में छोड़ नहीं सकता इसलिए ऐसे कुछ बात बताओ जो घी भी खाना हो जाए और मेरा पेट भी सही हो जाए। बोले एक काम करो घी खाओ कोई बात नहीं पहले घी कैसे खाता था पूरा के पूरा मुंह में डाल करके पूरा ढक ढक कर खा लेता था अभी ऐसे नहीं मैं तुमको एक पुड़िया देता हूँ कि जो पुड़िया है ना वो घी को साथ में मिला देना और पुड़िया जैसे उसमें खट्टा है मीठा है नमकीन है ये सब चीजें जब उसको ऐसे डायरेक्ट खाना नहीं उसको चाट चाट कर खाना है। पहले डायरेक्ट पीता था उसको लाल नहीं बनता था इसलिए हजम नहीं होता था लेकिन अभी जब उसको चाट चाट कर खाने लग गया उसको मुंह में लाल निकला जो लाल निकला जो लाल निकला जो घी उसको पेट में अपच का काम करता था फिर वो पचने का काम करना शुरू कर दिया। इसलिए इसका मतलब है ये नारद जी को श्री युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं बोले नारद जी जब कभी युधिष्ठिर महाराज को घर में आए तो उन्होंने बोले हम पांच पांच भाई है अभी हमारे पांच पांच पत्नियां मेरे बच्चे भी है पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है इसलिए ऐसे कुछ बात बताओ हम संसार में घर गृहस्थ में रहे लेकिन रहते हुए भी हम ये माया में पड़े नहीं और इस संसार से मुक्त हो जाए। तब नारद जी उदाहरण दे रहे कहते खूब करो करने के लिए कोई मना नहीं खूब करो लेकिन पैसा किसी लिए कमा रहे हो बोले भगवान की सेवा के लिए बीवी बच्चों की सेवा के लिए नहीं भगवान की सेवा के लिए खूब रसोई बनाओ रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ लेकिन किस लिए बना रहे हो भगवान की भोग लगेगा। घर को साफ करो किसको साफ कर रहे हो ये भगवान के मंदिर है अगर कभी ठाकुर जी घर में चलेंगे तो अगर घर में धूल पड़ा होगा ठाकुर जी के चरण में धूल लग जाएगी इसलिए हम घर को भगवान की मंदिर मान करके उसको साफ कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्तों जो पेशाब और पायखाना भी करता है वो भी भक्ति है जो ब्रश करता है वो भी भक्त क्यों मुंह में बदबू आएगी ठाकुर सेवा कैसे करेंगे हैं। इसलिए कहते उनका पायखाना पेशाब भी ठाकुर का सेवा बोले किसलिए पायखाना पेशाब करने जाते हो अगर शुद्ध शरीर नहीं होगा ठाकुर जी का आरती कैसे करेंगे अभी ठाकुर जी का कीर्तन कैसे करेंगे। कहते भक्त का जो हर क्रिया भजन है भक्ति सब कुछ उसकी भक्ति हो जाती है क्योंकि वो उद्देश्य किसके लिए करता है भक्ति के भगवान के लिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्कर्म हरि तोषणम इसलिए जो हम कर्म करें किसके लिए करें हरि तोषणम भगवान की प्रीति के लिए सब कुछ करें। इसलिए तत् कहते सा विद्या तत्तन्मतिर्जया है
इसलिए कहते हैं वही विद्या विद्या है जिस विद्या को द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। सही से विद्या फल जानिय निश्चय कृष्ण पाद पद्म यदि चित्त वृत्ति रहे। वही विद्या विद्या है जिसको द्वारा भगवान के चरण में हमारी चित्त वृत्ति लग जाए, नहीं तो विद्या से अविद्या मिला, नहीं तो विद्या नहीं वो अविद्या है। इसलिए जड़ विद्या जो तो माया रे वैभव तुम्हार भजन बाधा मोह जनमिया अनित्य संसार जीव के करे गाधा। इसलिए कहते जो जड़ विद्या है कि माया की वैभव है, अरे हमने इतने डिग्री प्राप्त की, लेकिन इतने डिग्री प्राप्त कर रहे हो क्या? दिन भर गधा जैसे संसार में, जैसे वो दिन भर काम करते हैं, हम तो विद्या पा करते, वही से ही माया संसार में दिन भर काम कर रहे, माया के बोझ को बो रहे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तो वही विद्या विद्या जिसको द्वारा मति भगवान के शरीर में लग जाए। ताही शरीर के मात्र कर्तव्य जहा द्वारा हरि विषयणी मति है, ताही विद्या कारण हरि ही जीवर अंतर्जमी परमात्मा कारण और नियंता। इसलिए भगवान कौन है? वो अंतर्यामी परमात्मा, ये नियंता है। इसलिए तहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, तहारे जे बलि विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद्म जे करे स्थिर मन। इसलिए यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं तहारे जे बलि धर्म कर्म सदाचार, बोले वही धर्म धर्म, वही कर्म कर्म, वही सदाचार सदाचार है। क्या है? अगर इसका मूल उद्देश्य अगर भगवान हो, कर्म का उद्देश्य अगर भगवान हो, धर्म का उद्देश्य अगर भगवान हो, जो सदाचार हम अवलंबन कर रहे हैं अगर ये भगवान के लिए हो तब सबके सब सारे। इसलिए बोले वैष्णव का 26 लक्षण है। कितना लक्षण है? 26 लक्षण है, 26 लक्षण है, लेकिन उसमें एक है अंगी और सबके सब अंग है। अंगी कौन सा है? कृष्ण का शरण कति मैन है। और अंग कौन है? बोले और जितने सारे गुण। वैष्णव का क्या गुण? बोले कृपालु, अकृत द्रोह, किसको द्रोह नहीं करते, कृपालु अकृत द्रोह, बोलो सत्यसार, सम निर्दोष, बदान्य, मृदु, सुचि, अकिचन, सर्व प्रकार का निरीह, ये सब वैष्णव 26 लक्षण है। लेकिन अगर कहते कि इसको अंदर में 25 लक्षण है, पूरा के पूरा 25 लक्षण है, लेकिन जो एक जो अंगी जो मेन गुण नहीं है ना, वो सब बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं। कहते इस जगत में साधारण किसी लोगों को अंदर में भी बड़ी कृपालुता दिखाई देखने को मिलता है। कर्ण कितना बड़ा कृपालुता, कहते उसको दांत में एक सोना का टुकड़ा था, दांत में लगाया था, लास्ट में कोई दान लेने के लिए आया ना, दांत को तोड़ करके उसने दिया हरिश्चंद्र। उसने किया क्या? हरिश्चंद्र टोम के पास में खुद को बहुत बिक गया, अपना पत्नी को बीच बाजार में बेच दिया, अपना बेटा और पत्नी को बेच दिया उन्होंने बीच बाजार में, इतने बड़े दानी थे हैं। इसलिए विश्वामित्र ने उनको अहंकार को तोड़ा बाद में। इसलिए कहते हैं ये सब सदाचार किसी व्यक्ति को अंदर में हो सकता है, ये सारे गुण, लेकिन अगर उसके अंदर में कृष्ण का शरण अगर नहीं हो कहते वो सारे गुण बेकार। लेकिन आपके अंदर में कोई भी गुण नहीं, कोई गुण नहीं सदाचार नहीं, लेकिन एक गुण है जिसने जीवन में कृष्ण को ही अपना जीवन का सर्वस्व समझ लिया, भगवान ही हमारा जीवन का सर्वस्व, कहते और जितने सारे गुण है ना सबके सब आ जाएगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तहारे जे बोले धर्म कर्म सदाचार, वही धर्म कर्म सदाचार वही है अगर वो भगवान के उद्देश्य में हो। तहारे जे बलि विद्या मंत्र अध्ययन, वही विद्या वही मंत्र वही अध्ययन है, बोले कृष्ण पाद पद्म जे करे स्थिर मन। अगर भगवान के चरण में अपना मन को अगर वो सारी चीज अगर स्थिर कर दिया, शरणागत कर दिया, तो सारे के सारे विद्या तुम्हारी सार्थकता है। इसलिए सवार जनक कृष्ण जनक सवार, हे न कृष्ण जेना भजे सर्प व्यर्थता है, कृष्ण पाद में जे करे स्थिर मन। सवार जनक कृष्ण, भगवान कृष्ण सबका जनक है, और हे न कृष्ण जेना भजे सर्प व्यर्थता, ऐसे कृष्ण को जो भजन नहीं करता उसका सबके सब बेकार, सब बेकार है। यदि ये कौन कह रहे हैं? सार्वभौम आचार्य कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं बात को।
इसलिए कहते हैं शंकर का अभिप्राय क्या है, बोले दास्य। जो शंकर है, शंकर जी कौन है, शंकर शंकर संख्या, जो शंकराचार्य वो स्वयं शिव है। इसलिए शिव है, शिव कौन है, वैष्णव न जाता संभव है। कहते उनका क्या अभिप्राय क्या है, यहाँ पर एक श्लोक कहते हैं, सत्य भी भेदापगणिनाथ तब अहम न माम की अमस्तम समुद्र ही तरंग को कोचन समुद्र न तरंग। कहते ये श्री शंकराचार्य का है श्लोक है, ये अभिप्राय। इसका मतलब कहते बोले हे नाथ, जदियो ब्रह्मे जीव अभेद तथापि तुम्हें जीव अपना रही अधीन। यहाँ पर कहते हैं कहते एक दृष्टिकोण से क्या है, कहते ब्रह्मा और जीव एक दृष्टिकोण से अभेद है, कोई भेद नहीं। जैसे भगवान भी सनातन है और जीव भी सनातन है, इसलिए भगवान के अंदर में जो जो गुण है, कहते वही गुण जीव के अंदर में भी सूक्ष्म रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है थोड़ी थोड़ी। तथापि तथापि जो जीव है भगवान की अधीन है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र में जो लहरी है, समुद्र का जो लहरी है वो किसका लहरी है, समुद्र का ही लहरी है, लेकिन लहरी का समुद्र नहीं, लेकिन समुद्र का ही है लहरी। उसी तरह जो जीव है ये भगवान का ही संतान, इसलिए ये नहीं जीव ही ब्रह्म है, जीव ही भगवान है, इसलिए जीव कहीं भगवान हो ही नहीं सकते हैं, हाँ? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कोई शंकर जी का अभिप्राय को नहीं जान करके कोई अपना मोड़ मुड़ा करके सन्यास बन जाते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं तुमने भी ऐसे मोड़ मुड़ा करके सन्यास बन गए, और बन करके क्या करते हैं सूत्र, और कहते जो मायावादी सन्यासी ये जनेऊ नहीं पहनते, सिखा नहीं रखते, ये सबको सबको त्याग दे देते हैं, और तुम भी ऐसे त्याग दे दिया है। इसलिए कोई बोलेगा क्यों मेरे को क्यों बोल रहे हो, इसका इसके पहले भी तो लोग सन्यास लिए। बोले कौन है सन्यास लिए, कहते माधवेंद्रपुरी, उन्होंने क्या सन्यास नहीं लिया, ईश्वरपुरी पाद उन्होंने की सन्यास नहीं लिया, कहते वो लोग भी तो सन्यास लिया है। लेकिन यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं बोले देखो वो लोग जो सन्यास लिए हैं है बल्लभाचार्य आदि सन्यास लिए हैं, ये संसार विषय भोग करके फिर उन लोगों ने सन्यास ग्रहण किया है, लेकिन तू तो एकदम 26 साल उम्र है और एकदम महाप्रभु देखने में अद्भुत रूप थे, अद्भुत सुंदर महाप्रभु थे, भले इतने 26 साल उम्र में एकदम पूरा फनफनाते हुए, क्या बोलते तो तुम्हारी जो जौवन है ना फनफनाते हुए तुम्हारी जौवन है, पूरी पूरी जौवन अवस्था है, पूरा जौवन अवस्था में तुमने जो सन्यास लिया, कि सन्यास को कैसे रक्षा करोगे, ये सन्यास रक्षा करना इतना आसानी बात नहीं, बहुत कठिन है, जवानी को ये जवन को है रक्षा करना बड़ा कठिन है, इसी उम्र में तुमने सन्यास लिया, सन्यास कैसे तुम धारण करोगे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते देखो मैंने तो हैं मैंने तो विक्षिप्त तो होकर के हैं कृष्ण विरह में मैंने सन्यास ले लिया, अज्ञानता में मैंने सन्यास ले लिया, इसलिए महाप्रभु कहते हैं जैसे ये सन्यास धर्म मेरे रखा हो आप कृपा करके मेरे को वो रास्ता बताओ, मैं ये सन्यास धर्म को मैं कैसे रखा कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले सेवा करे निमित्त आपने अवतारे, हासे प्रभु सार्वभौम चाहिए चाहिया ना भूषण सार्वभौम माया मुक्त हरिया। यहाँ पर कह रहे हैं बोले सेवा करे निमित्त आपने अवतारे, महाप्रभु जो अवतार हुए, महाप्रभु का अवतार किस लिए, केवल सेवक के लिए अवतार हुए, लेकिन यहाँ पर हासे प्रभु सार्वभौम चाहिया चाहिया, महाप्रभु सार्वभौम को प्रति देख हंस रहे हैं है हंस रहे हैं, लेकिन सार्वभौम माया मुक्त होकर के समझ नहीं पा रहे हैं ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु ये दुनिया की मालिक है, ये साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं यही परम ब्रह्म परात्पर तत्व स्वयं जगन्नाथ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहते ना जाना है बुझे। इसलिए कहते अगर भगवान निजो को खुद अगर किसको नहीं जानाते हैं
कि जगत में हिम्मत नहीं कोई भगवान को समझ सके। और कहते हैं भगवान जो लीला करते हैं किसको साथ में लीला करेंगे, भक्तों को साथ में लीला करते हैं भगवान, और दूसरों को साथ में लीला नहीं करते, ये उनका अपना भक्त है ना, कौन है, देवगुरु बृहस्पति भक्त है ना, इसलिए उनको साथ में महाप्रभु लीला कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक दिया है, न अयम आत्मा, बोलो जोर से इसका अर्थ बनो, बोलेगा बोलो, हाँ बोलो जोर से बोलो, उसके बाद में इसलिए इस श्लोक को श्री यहाँ पर दे रहे हैं, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते, कभी जो आत्मज्ञान व भगवान को न प्रवचन को द्वारा उनको कोई नहीं जान सकते हैं, मेधा को द्वारा कोई नहीं जान सकते हैं, बहुत सुनने पर भी उनको कोई नहीं जान सकते हैं। इसलिए जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य है, जब भगवान किसको वर्ण करते हैं जिसको जनाते हैं वही केवल भगवान को जान सकते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर अगर महाप्रभु अपने आप को नहीं जानाएंगे वो कैसे पहचान सकते सार्वभौम भट्टाचार्य। इसलिए तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, देखो तुम भागवत कथा सुनो, तुम भागवत कथा सुनो। सार्वभौम कहते हैं देखो महाप्रभु कह रहे हैं जे तुम तो सर्व विद्या विशारद है, और तुम्हारी शरीर में मैंने जो प्रेम का लक्षण देखा वो साधारण लक्षण नहीं देखा, एक साथ में स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण, अभी तक तो मैंने केवल सुना था लेकिन तेरे शरीर में जो देखा वो साधारण व्यक्ति तुमको नहीं लग रहा था, अभी बताओ तुम भागवत में क्या सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु ने एक श्लोक को उत्थापन करके बोले, अब ये श्लोक तो मेरे को सुना, कौन सा श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनयो, मतलब जो मुनि लोग आत्मा में रमण करते हैं, है? आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभिगुरुक्रमे, संपूर्ण रूप में ये माया की बंधन को तोड़ तोड़ करके उसको ऊपर में भी विचरण करने वाले, लेकिन भगवान की जो कथा भगवान की जो गुण महिमा उसमें इतने रस है, वे लोग भी कुर्बन अहितु की भक्ति, वे लोग भी आकृष्ट होकर के भगवान की भक्ति रस में डूब जाते हैं। एक एक बहुत बढ़िया श्लोक है, यद्यपि पूर्ण आत्मा तथापि, बहुत एक बढ़िया श्लोक है, उस श्लोक में कहते हैं यद्यपि पूर्णात्मा संपूर्ण रूप में आत्मा में रमण कर रहा हूँ, पूर्ण आत्मा में डूबा हुआ हूँ, लेकिन तथापि मेरे जो मन है कृष्ण प्रेम भक्ति रस में मेरे मन को खींचता है, हैं? तभी भी मेरे मन कृष्ण भक्ति रस में, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन्हीं बिलो को तो अति हरसिता बरव स मन ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान राम जब मिथिलापुरी में पहुंचे, जनक महाराज भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन वो कह रहे हैं इन नहीं बिलोकत अति हर सीता, लेकिन जब मैंने ये राम को देखा है ना, पता नहीं ये राम में क्या गुण है, इसको देखते ही मेरे जो मन है प्रसन्न हो गया, हैं? कहते बरा वो सब ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, पहले जो मैं भगवान जो निराकार निर्विशेष ज्योति ये जो मानता था ये चीज अपने आप मेरे मन से खत्म हो गया, मेरे जो मन है ये राम में ही मन रमण गया, इसलिए जो राम है ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म ही राम, समझ गया ये परम ब्रह्म राम है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात बृहस्पति कहते 13 तरह का व्याख्या किया, 13 तरह का एक श्लोक की उन्होंने अर्थ किया, और हम एक श्लोक का अर्थ एक तरह का नहीं कर पाते, 13 तरह का किया। महाप्रभु ने कहा अगर आप बोलोगे मैं भी थोड़ा व्याख्या कर सकता हूँ, बोले तुम क्या व्याख्या करोगे, मैं तो ऑलरेडी 13 तरह का व्याख्या कर चुका हूँ, बोले अगर आप बोलोगे तो मैं कर सकता हूँ, हैं? अगर बोलोगे तो, अरे महाप्रभु ने
कहते उसी श्लोक को महाप्रभु कितने तरह किया था, कहते उसको उन्होंने 18 तरह का व्याख्या, महाप्रभु ने उसको 18 तरह का व्याख्या किया और उनका पूरा व्याख्या को छोड़ करके फिर यही श्लोक को महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को सामने कितने तरह का व्याख्या किया, कोई 64 तरह का व्याख्या किया, 64 तरह का। इसलिए सनातन गोस्वामी के पास में ये चैतन्य चरितामृत में जो आत्मा मुनयो इसका अर्थ अलग अलग दिया है, 64 तरह का व्याख्या, इसको सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले क्या मेरे ऊपर में व्याख्या और मेरा एक अर्थ को उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, मेरे ऊपर में भी व्याख्या और इतने सुंदर प्रेम पर भक्ति पर। फिर तो सार्वभौम समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति को अंदर साक्षात में बृहस्पति हूँ ऐसे विद्वता हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने व्याख्या कैसे किया। फिर उन्होंने चरण में गिर गए, बोले प्रभु आप बताओ आप कौन हो, लगता है आप कोई साधारण नहीं, क्योंकि आपका शरीर में जो चिन्ह हमने देखा प्रेम का चिन्ह अभी तक मैंने सुना था लेकिन कभी देखा ही नहीं, अब सही सही बताओ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया, फिर उन्होंने 100 श्लोक में उनकी स्तुति की है। उसका जो पहला श्लोक है क्या बोलो, कद वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिजा तमहं प्रपद्ये। बोले जगत में पुराण पुरुषो भगवान ये स्वयं महाप्रभु का रूप में आए। बोले क्यों, बोले अपना प्रेम भक्ति को जगत में प्रचार करने के लिए उनने चरण में गिर गए, उनका चरण में संपूर्ण शरणागत हो गए। इसलिए अभी इसको बाद में क्या होता है फिर हम इसको कल सुनेंगे। बोले से सार्वभौम भट्टाचार्य की, बोले से सच्चिदानंद गौर हरि की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। वंचागल दुर्भस्य कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज कौन गाएगा?